नहीं है। दो टर्म यहाँ पे यूजलेस, नाम से ही पता चल रहा है, व्हेन स्टेमंस आर जॉइंड टू पेटल्स, पेटल्स को वो पेटल्स के साथ अटैच्ड होंगे, वो फिलामेंट के थ्रू भी उसकी उनकी फिलामेंट भी फ्यूज्ड हो सकती है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज एपिपेटलस। और मैंने आपको बताया था कि कैलेक्स कोरोला दोनों अगर डिस्टिंग्विश ना किए जा सके, तो दोनों का स्ट्रक्चर अगर एक ही जैसा हो तो उस वर्ल को हम क्या कह देते हैं, पेरियंथ, और उसके एक सिंगल मेंबर को हम कहते हैं टेपल। That condition is known as epiphyllous condition. So epipetalous जब वो टेपल्स के साथ है तो एपिफाइलस, और जो पेटल के साथ है तो एपिपेटलस। तो आप देख सकते हो ये कॉमन एपिपेटलस कंडीशन, दैट इज ब्रिंजल प्लांट। ठीक है, और लिली प्लांट में हमें एपिफाइलस कंडीशन देखने को मिलती है, उसके इस तरह से होते हैं, जो टेपल्स होती है उनके ऊपर यहां पे अटैच्ड होते हैं इसके साथ। आप देख सकते हैं, आप जब भी नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसके स्ट्रक्चर मिल जाएंगे कि लिली प्लांट में जो स्टेमन होते हैं उनके अटैचमेंट पॉइंट कहाँ पे होता है। तो ये तो थी दो टर्मिनोलॉजी। अब हालांकि वॉइस दिक्कत आ रही है बच्चों को, क्या बच्चों को भी मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? एक बार जो बच्चे हैं वो थंब का साइन दें अगर उनको क्लियर सुनाई दे रहा है तो। हिमांशु बेटा क्लियर सुनाई दे रहा है आपको? अब आपको मैं बता रही थी कि जो स्टेमन है उनकी ये दोनों कंडीशन आपको बता दी, मेरे ख्याल से क्लियर होंगी। पूजा मैम आपके वहां पे शायद नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत है, बस कंडीशन दो है। अब ये तो कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी थी अटैचमेंट के अकॉर्डिंग। कई बार क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनमें जो स्टेमन होते हैं वो ग्रुप्स बना लेते हैं, एक ग्रुप दो ग्रुप अलग अलग, आप एक एक को बिल्कुल देख सकते हैं सेपरेट, और कई बार वो ग्रुप्स में होते हैं। तो उनके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे कि अगर वो ग्रुप में है, अगर वो फ्री में है, एक ग्रुप में है, स्टेमन के सारे स्टेमन भी फ्यूज्ड हैं, फिलामेंट भी फ्यूज्ड हैं, तो उनके लिए कुछ टर्म देखते हैं, स्टेमन अकॉर्डिंग टू ग्रुपिंग। तो सबसे पहली कंडीशन आती है पॉलीएंड्रस कंडीशन, पॉलीएंड्रस कंडीशन जिसमें सारे के सारे स्टेमन क्वाइट आपको बिल्कुल डिफरेंट एक दूसरे से फ्यूज नहीं होंगे, सेपरेट होंगे, दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीएंड्रल कंडीशन। और ये किस में प्रेजेंट होती है, दैट इज प्रेजेंट इन सिट्रस। ठीक है, अब बात आ जाती है जहां पे वो ग्रुप्स में है। अब हम देखते हैं जहां पे ग्रुपिंग की हो गई, फर्स्ट देखते हैं अगर वो एक ग्रुप में हो तो उसको कहते हैं मोनो अडल्फस। मोनो अडल्फस जिसमें सारे के सारे जो स्टेमन्स हैं वो एक प्रॉपर ग्रुप में अरेंज्ड हैं, प्रॉपर एक ही ग्रुप है जिनमें उनका जो एंथर वो एक ही ग्रुप लगता है, तो दैट इज मोनो अडल्फस। किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, या आप देख रहे हैं इसमें क्या है, जो उनकी फिलामेंट्स हैं वो तो सारी जो है फ्यूज हो चुकी हैं, और ऊपर ऊपर आपको सिर्फ इनके एंथर लोब्स ही दिखाई देंगे, फिलामेंट्स का आपको पता ही नहीं चलेगा, इट मींस ऑल फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड है।
हिबिस्कस चाइना रोज जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है आपको सिर्फ एंथर के लोब दिखाई देते हैं येलो येलो, लेकिन उनकी अगर आप फिलामेंट देखना चाहें तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो आपस में बिल्कुल फ्यूज हो रखी होती है। दैट इज मोनो अडल्फस कंडीशन। नाउ सेकेंड वन इज डाई अडल्फस कंडीशन। डाई अडल्फस कंडीशन नाम से ही पता चल रहा है दैट स्टैमन्स आर इन टू ग्रुप्स। जो स्टैमन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन साइड द फ्लावर इन एंड अरेंज्ड इनटू टू ग्रुप्स। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स है मोस्टली में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है स्टैमन मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और एक सिंगल स्टैमन जो होता है वो हमेशा सेपरेट रहता है उससे। इस तरह से ये वाले तो काफी सारे हैं, पांच छह हैं जो आपस में फ्यूज्ड हैं, ये सारे एक ग्रुप और एक स्टैमन इसमें बिल्कुल सेपरेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स बन गए, तो ये किसमें देखने को मिलेगा आपको? पी प्लांट में, डाई अडल्फस कंडीशन। और पॉली अडल्फस क्या हो गया? देखने को मिलते हैं, दैट इज नोन एज पॉली अडल्फस कंडीशन। आपका यहाँ पे एक क्लियर कर लेना, सिट्रस में नहीं है ये, रेनन्कुलस में है। यहाँ पे एक थोड़ा सा आपका रह गया, ये क्लियर कर लेना कि यहाँ पे रेनन्कुलस में होगा, सिट्रस में नहीं मिलेगा। आ जाएगी पॉली अडल्फस, जिसमें बहुत सारे ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरह की कंडीशन होती है जिनमें ग्रुप्स बनते हैं। अब आ जाता है एक और कंडीशन, एंथर फ्यूज है, फिलामेंट्स फ्री है, दैट कंडीशन इज नोन एज सिंजिनेसिस। ये कंडीशन जिसमें कि जो उनके एंथर लोब्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं और फिलामेंट्स फ्री हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज सिंजिनेसिस। और दिस इज प्रेजेंट इन सनफ्लावर। सनफ्लावर में प्रेजेंट हो सकती है, एस्टेरेसी फैमिली है सनफ्लावर की, जितनी भी फैमिलीज होंगे उसमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी, दैट इज सिंजिनेसिस। अब आ जाती है सिन एंड्रस, लास्ट। सिंग का मतलब ही क्या होता है? फ्यूज्ड, पूरा का पूरा एंड्रोशियम ही फ्यूज्ड है, फिलामेंट्स भी फ्यूज्ड हैं और एंथर लोब भी फ्यूज्ड हैं। तो देखने में आप जज ही नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये एंड्रोशियम है। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हो जाता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है वो, जिसमें क्या है उसकी जो एंथर लोब्स हैं वो भी फ्यूज्ड हैं और फिलामेंट भी फ्यूज्ड हैं। तो दैट कंडीशन इज नोन एज सिन एंड्रस कंडीशन। और ये कुकुरबिटेसी फैमिली है। आप पंपकिन वगैरह देख लेंगे तो उसमें भी आपको दिखाई दे जाएगा, पंपकिन के जो फ्लावर्स होते हैं उस फैमिली में ज्यादातर फ्लावर्स में आपको इसी तरह के काफी मोटे मोटे से आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा बंच सा है, इस तरह के एंड्रोशियम जो है पूरा का पूरा आपस में फ्यूज मिलेगा। दैट कंडीशन इज नोन एज सिन एंड्रस कंडीशन। तो ये तो थी टर्मिनोलॉजी ऑफ एंड्रोशियम। दोबारा से बता देती हूँ कि हमने पहले कहा पॉली एंड्रस, जो कि सारे के सारे जो है आपस में जुड़े नहीं हुए, सारे फ्री हैं। रेनन्कुलस एग्जांपल कर लेना, सिट्रस नहीं है, सिट्रस गलत लिखा गया था। दूसरी कंडीशन आ जाती है जब वो ग्रुप्स बनाते हैं, तो ग्रुप्स में एक ग्रुप है तो मोनोडल्फस, दो ग्रुप है तो डाइएडल्फस, तीन ग्रुप है तो और उससे ज्यादा है तो पॉलीएडल्फस। उसके बाद अगर जो है एंथर लोब्स जो है वो फ्यूज्ड हैं और फिलामेंट्स जो है उनकी फ्री हैं, तो उसको बोलेंगे सिंजिनेसिस कंडीशन। और सिन एंड्रस कंडीशन जब उनके एंथर लोब्स और फिलामेंट्स दोनों के दोनों क्या है फ्यूज हो चुके हैं, तो एक कंबाइंड ज्वाइंट स्ट्रक्चर बन जाता है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज सिन एंड्रस कंडीशन। तो ये तो थी टर्मिनोलॉजी ऑफ एंड्रोशियम। नाउ लेट्स मूव टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ गाइनोशियम।
अब हम गायनोशियम पे आ जाते हैं. गायनोशियम में भी क्या है, उसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने टर्मिनोलॉजी हमें देखने को मिली, इन द सेम वे गायनोशियम में भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे. तो कलेक्टिव टर्म है, मैंने आपको पहले बता दिया था, जो गायनोशियम है एक कलेक्टिव टर्म है किसके लिए, मैनी नंबर ऑफ कार्पल्स. और हम उसके लिए कंबाइंड जनरल टर्म भी यूज करते हैं, दैट टर्म इज पिस्टिल. पिस्टिल इज ए ग्रुप ऑफ कार्पल्स. अब जो गायनोशियम है आपको पता है उसमें सबसे मेन पार्ट उसका ओवरी होता है, जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो ये ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी से कैसे जुड़े होते हैं, अगर हम ये ओव्यूल की बात करें कि हम ये ओवरी मान के चले और ये है ओव्यूल. ओव्यूल यहां से एक कुशन लाइक टिश्यू या स्ट्रक्चर होता है जिससे ये ओवरी के साथ जुड़ा होता है, दैट पार्ट इज नोन एज प्लेसेंटा. आपने प्लेसेंटा पढ़ रखा है ह्यूमन बीइंग ने, में आपने पढ़ा है, जिसमें आपको पता है दैट फीटस इज कनेक्टेड टू मदर बाय टिश्यू, दैट इज नोन एज प्लेसेंटा. इन द सेम वे हियर ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू ओवरी बाय मींस ऑफ अ टिश्यू, दैट इज नोन एज प्लेसेंटा. ए कुशन लाइक टिश्यू इज नोन एज प्लेसेंटा. अब बात आ जाती है टर्मिनोलॉजी की, तो नंबरिंग पे आ जाते हैं हम. इनकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्या क्या टर्म यूज करते हैं हम. According to number of carpels, carpels के number के according कितनी तरह के होते हैं gynoecium, that is monocarpillary, bicarpillary, tricarpillary and tetracarpillary. तो नाम से ही पता चल रहा है अगर सिर्फ एक सिंगल कार्पल ही प्रेजेंट है, दैट कंडीशन इज मोनोकार्पलरी कंडीशन. और ये कंडीशन लेग्यूमिनेसी फैमिली में होती है. कौन सी फैमिली, जो पल्सिस की जो फैमिली होती है जिसमें पी और पल्सिस सारी आ जाती हैं, उस फैमिली में ये कंडीशन होती है, सिर्फ एक ही कार्पल प्रेजेंट होता है. बाईकार्पलरी जो कंडीशन है वो एक फैमिली में पाई जाती है, अकेंथेसी. और ये लेग्यूमिनेसी, आप इनके एग्जांपल्स जो है सर्च करेंगे और एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे. आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको उनकी इमेजेस भेजूंगी इनकी, क्योंकि ये वो प्लांट्स हैं जो कॉमनली नहीं पाए जाते, अकेंथेसी में बहुत कम देखने को मिलते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं. तो मैं उनके नाम भी बताऊंगी तो आप नहीं समझ पाएंगे. थर्ड वन इज ट्राइकार्पलरी. ये तो आपने लिली प्लांट देखा हुआ है, और इसके अलावा आपने एलियम सीपा, ऑनियन, ऑनियन की फैमिली है ये, लिली एसी जो फैमिली है. तो इसमें इस तरह की कंडीशन पाई जाती है जिसमें तीन कार्पल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इन लिली एसी फैमिली, प्लांट्स की जो लिली एसी फैमिली है. अब लास्ट वन आ जाता है फोर कार्पल्स वाली जो कंडीशन है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, दतूरा प्लांट. सभी का वेल नोन प्लांट है, सभी जानते हैं दतूरा बोलते हैं जिसको आप, उसमें जो है फोर कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये तो थी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्पल्स कि कितने कार्पल्स हैं उसके अकॉर्डिंग. अब देखते हैं कोहिजन, फ्यूजन, क्या वो फ्यूज्ड है या फ्री है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू According to fusion of carpels, क्या सारे carpels fused हैं या free हैं, तो वो condition होती है apocarpus and syncarpus. ये सारी terminology जल्दी मैं इसलिए explain कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद आपकी turn है. आप सभी को एक एक दो दो topic मिलेंगे और आप उनके flowers लाएंगे और आप उनको explain करेंगे Monday onward. कई दिनों तक ये चलेगा, टेस्ट भी होगा और ये वाली एक्टिविटी भी साथ में चलेगी. तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान से सुने, हम जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे ताकि जैसे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है हम रिवीजन की तरफ कंटिन्यू हो जाएंगे, जो भी हमारा टर्म एग्जाम के लिए चलेगा, जिसमें सारे के सारे जो कार्पल्स हैं वो जो है फ्री होते हैं, फ्यूज नहीं होते, सेपरेट होते हैं.
इस तरह से बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग कार्पल्स होते हैं, दैट इज एपोकार्पस, सिनकार्पस, जिसमें सारे के सारे फ्यूज होते हैं, पता ही नहीं लगा सकते। इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, सारे के सारे कार्पल्स फ्यूज होते हैं। आप मस्टर्ड और टोमेटो में भी देख सकते हैं, देखने में आपको वो सिंगल लगेगा लेकिन बेसिकली वो सारे फ्यूज होते हैं। टोमेटो में और जो है मस्टर्ड में आप देखेंगे तो किस तरह की कंडीशन होती है, आपको देखने में लगेगा ये एक ही है कार्पल पूरा का पूरा, लेकिन जब आप इसका टीएस काटोगे सारे कार्पल थे जो आपस में फ्यूज हो रखे थे, इस तरह से ये अलग से कार्पल था, ये अलग से था, ये अलग से था। तो टीएस काटने पे हमें पता चलता है कि वो सारे के सारे क्या थे, अलग अलग थे, वो आपस में जो है तीन कार्पल थे और आपस में वो टोटल वॉल से वो कवर होने की वजह से हमें वो एक ही अपीयर हो रहा था। तो किसमें है ये, मस्टर्ड में और टोमेटो में आप देखेंगे तो इस तरह की कंडीशंस देखने को मिलेगी और देखने में हमें लगेगा कि ये सिंगल ही कार्पल है लेकिन वो फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, यहां तक तो था लोक्यूल्स, क्या होते हैं लोक्यूल्स। अब ओवरी के अंदर की बात पे आ जाते हैं, हम ओवरी बाकी पार्ट हम छोड़ देंगे, अब ओवरी के अंदर क्या क्या अरेंजमेंट है उसको देखते हैं। अब इसमें आ जाता है लोक्यूल है क्या, बेसिकली ओवरी के अंदर का जो भी स्पेस है उस पूरे स्पेस को ही हम लोक्यूल कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग लोक्यूल एक है, दो है, तीन है, चार है, कितने लोक्यूल्स हैं उसके अंदर है, लोक्यूलर कंडीशन, मोनोलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर, ट्राइलोक्यूलर, टेट्रालोक्यूलर एंड पेंटालोक्यूलर। मैम आप ये मीटिंग यहाँ पे एंड करें और नेक्स्ट स्टार्ट करें ताकि ये पूरे एक में ही कवर हो जाए टॉपिक। यस बेटा, दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे इसी लिंक पे सभी। अब हम बात कर रहे थे लोक्यूल्स की, मैंने कहा ओवरी के अंदर जो पूरा चैम्बर होता है उसको हम लोक्यूल कहते हैं। तो लोक्यूल्स के अकॉर्डिंग जो ओवरी है वो किस तरह की हो सकती है, ओवरी कैन बी यूनिलोक्युलर ओवरी, बाइलोक्युलर ओवरी, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इसी तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मोनोलोक्युलर, जिसमें क्या है, ये ओव्यूल्स हैं जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये ओव्यूल्स हैं और बीच में ये प्लेसेंटा वाला पार्ट है जिससे ये ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे जो ये वाला पार्ट है ये एक सिंगल ही चैम्बर है पूरा, तो दिस इज यूनिलोक्युलर ओवरी। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि जो ओवरी के अंदर दो चैम्बर्स प्रेजेंट है, दिस ओवरी इज नोन एज बाइलोक्युलर ओवरी। तो यहाँ पे इसका जो प्लेसेंटा होता है थोड़ा सा थिक हो जाता है, इस साइड में ओव्यूल्स और इस तरह से ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस वन इज ट्राइलोक्युलर ओवरी, तो यहाँ पे भी ये सेंटर में इस तरह से प्लेसेंटा होता है और उसके ऊपर यहाँ पे ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दिस वन इज टेट्रालोक्युलर ओवरी, तो इन सेम जो है इसमें भी वही अरेंजमेंट है, सेंटर में वो प्लेसेंटा होगा इस तरह से, इसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ओवरी अकॉर्डिंग टू लोक्यूल्स, नंबर ऑफ लोक्यूल्स, यूनिलोक्युलर, बाई, ट्राई, टेट्रा एंड इन द सेम वे पेंटालोक्युलर ओवरी। तो ये तो थे अकॉर्डिंग टू लोक्यूल्स। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज प्लेसेंटेशन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार आता है आपको। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल किस किस तरह से अरेंज होते हैं, दैट इज नोन एज प्लेसेंटेशन।
अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी, ओवरी के अंदर किस तरह से अरेंज है, तो बहुत सारे हैं यहाँ पे. मैं डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करती हूँ और साथ साथ में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सबसे पहले वाला है मार्जिनल, ये वाला, जिसमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो प्लेसेंटा जो है वो ओवरी के एक साइड में एक रिज फॉर्मेशन कर देता है, एक सूचर, और उसी के ऊपर एक पूरी लाइन में जो है सारे के सारे ओव्यूल्स ग्रो करते हैं. तो क्या है, ओवरी के एक सूचर में प्लेसेंटा रिजेस की फॉर्मेशन कर देता है, इस तरह के रिजेस होते हैं और उसके ऊपर ओव्यूल्स ग्रो करते हैं. ये टीएस है, इसी को काट के आपको टीएस दिखाया गया है. ये मेरे ख्याल से आपको ये इमेज से ही पता चल गया होगा कि ये किसकी इमेज यहाँ पे बताई गई है, दैट इज अ पी प्लांट. तो पी प्लांट में आप देखते हैं कि जो अब पी जो आप पूरी आपके पास वो पॉड होती है, पी की जो पॉड होती है ना, वो दैट इज ओवरी. उसके अंदर आप जब उसको खोल के देखते हैं तो एक साइड में बिल्कुल प्लेसेंटा के रिजेस बने होते हैं, वो ओवरी एक साइड में उसको सूचर कहते हैं, इस तरह की लाइन बनी होती है, उसके ऊपर प्लेसेंटा से बिल्कुल एक सीक्वेंस में ओव्यूल्स ग्रो करते हैं. उसका टीएस देखेंगे तो हमें पता चलेगा इस तरह से वो ओव्यूल जो है ये ओवरी है और इसके ऊपर इस तरह से ओव्यूल ग्रो कर रहा है. तो दैट इज नोन एज मार्जिनल प्लेसेंटेशन. सेकेंड वन इज पैराइटल प्लेसेंटेशन. इस तरह की होती है पैराइटल प्लेसेंटेशन, जिसमें यहाँ पे ये है ओव्यूल्स, ठीक है. पैराइटल प्लेसेंटेशन में जो ओवरी की इनर वॉल है उसके जो पेरिफ्री है, इनर वॉल ये है आउटर वॉल, ये है इनर वॉल. इनर वॉल से डेवलप होते हैं जो प्रॉपर कॉर्नर्स होते हैं ओवरी के, वहां से इनर वॉल से डेवलप होते हैं ओव्यूल्स. और ओवरी सिंगल चैम्बर्ड ही रहती है. यहाँ पे आप देख रहे हैं चैम्बर एक है, यूनिलोकुलर ओवरी है और उसके अंदर इनर वॉल ऑफ ओवरी से जो डेवलप हो रहे हैं ओव्यूल्स. तो अगर हम इसका टीएस भी काट के देखें, सिर्फ एक पार्ट से देख लेते हैं, तो हमें इस तरह का दिखाई देगा. इस तरह का ये है ओव्यूल, टीएस तो नहीं, लेकिन हम सिर्फ एक पार्ट को देख रहे हैं, सिर्फ एक साइड का पार्ट देखेंगे. तो ओवरी की ये आउटर, ये इनर वॉल, और इनर वॉल से डेवलप हो रहा है या ओरिजिन हो रहा है ओव्यूल का, दैट इज नोन एज पैराइटल प्लेसेंटेशन. अब थर्ड वन इज एक्साइल प्लेसेंटेशन. पैराइटल जो प्लेसेंटेशन है वो मस्टर्ड में प्रेजेंट होती है. आप कभी भी मस्टर्ड इजीली अवेलेबल होती है, उसके जो फ्लावर है उसमें टीएस को ब्लेड से अगर आप काट के देखें आराम से, तब भी आपको ये ओव्यूल्स का जो है पैटर्न उसमें दिखाई दे जाएगा. बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, तो उसमें आपको इस तरह की अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगी. अब बात आ जाती है एक्साइल प्लेसेंटेशन की. इसको हम कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन. ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं. अगर आप सिंगल बनाना चाहें तो सिंगल भी देख सकते हैं ऐसे, क्योंकि सिंगल में आपको टीएस में मैं दिखा दूंगी कि किस तरह से होता है. तो दोनों तरफ से एक एक ओव्यूल जो है वो अराइज कर रहा है, तो दैट इज नोन एज
एक्साइल प्लेसेंटेशन. एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, प्लेसेंटा एक्सियल है, ओव्यूल जो है मल्टीलोकुलर ओवरी में जो है किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो बीच में ये सेप्टम प्रेजेंट है या प्लेसेंटा प्रेजेंट है. सेप्टा और प्लेसेंटा दोनों डिफरेंट होते हैं. प्लेसेंटा तो वो टिश्यू होता है जिसके ऊपर ग्रो करेगा ओव्यूल, और प्लेसेंटा होता है जो ओवरी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उसको सेप्टम कहते हैं. और ये वाला टिश्यू जो है वो प्लेसेंटा होता है. तो इसको अगर आप टीएस काट के देखेंगे तो टीएस में आपको ये कैसा दिखाई दे सकता है अलग अलग में, ये तो दो ही लोक्यूल्स हैं इस ओवरी में, तीन भी हो सकते हैं क्योंकि आपने ऐसे काट के दिखाया उसको, तो आपको पूरे उसके चैम्बर्स नहीं दिखाई देंगे. हो सकता है उसके चैम्बर्स चार हो, सकता है तीन हो. तो अगर आप काट के दिखाई देंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ये तीन चैम्बर्स होंगे ना तो इस तरह से. इस तरह से. और इसमें क्या होगा, यहां से अराइज कर रहे हैं, जो सेंटर पॉइंट है ये दिख रहा है आपको, और इससे जो अराइज कर रहे हैं वो ये दिख रहे हैं. तो ये दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज नोन एज एक्साइल प्लेसेंटेशन. नाउ लास्ट वन इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, जिसमें वो एक सेंटर में ओवरी के सेंटर से जुड़े होते हैं, बाकी किसी पार्ट से कुछ नहीं जुड़ा. सेंटर में एक प्लेसेंटा का पार्ट है, चारों तरफ ओवरी है, और उसी से ओव्यूल्स अराइज कर रहे हैं. तो ये थी आपकी एक्साइल प्लेसेंटेशन. अब आ जाते हैं हम फ्री सेंट्रल पे. नाम से पता चल रहा है कि अगर ओवरी ये है तो यहां से ये ओवरी की वॉल है मान, तो यहां से अराइज कर रहा है और इसके ऊपर ओव्यूल्स हैं. तो इसका मीनिंग क्या है कि यहां पे ये बिल्कुल सेंटर में फ्री है, किसी चीज से ज्वाइंट नहीं है, उसी के ऊपर ओव्यूल्स ग्रो कर रहे हैं. तो इसका टीएस काट के देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, बिल्कुल सेंटर में ये सेंटर वाला ये चीज दिखाई दे रही है आपको ये, और इसके ऊपर जो ग्रो कर रहे हैं वो ओव्यूल आपको इस तरह से दिखाई देंगे. दैट इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन. फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन प्राइमरोज प्लांट होता है उसमें, और डायंथस प्लांट होता है उसमें प्रेजेंट होती है. जो मैंने पहले आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन बताई वो चाइना रोज में प्रेजेंट होती है. अब आ जाते हैं लास्ट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, दैट इज बेसल प्लेसेंटेशन. बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, नाम से पता लगना चाहिए बेस, ओवरी के बेस से जुड़ा होगा ओव्यूल. ठीक है, एक सिंगल जो ओव्यूल होगा वो ओवरी के बेस से ही जुड़ा होगा. जैसे अब मैं बताती हूँ ये ओवरी है, बनाई मैंने ओवरी, तो यहां पे वो प्रेजेंट होगा इस तरह से. एक सिंगल ओव्यूल जो है वो इस फॉर्म में, या अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह से एक सिंगल ओव्यूल जो ओवरी के बेस से जुड़ा है, दैट इज नोन एज बेसल प्लेसेंटेशन. और अगर आप इसका टीएस काटेंगे तो आपको सिर्फ क्या दिखाई देगा, यहां से ऊपर से ऐसे, दैट इज बेसल प्लेसेंटेशन. तो ये तो थे अलग अलग टाइप्स की प्लेसेंटेशन. सनफ्लावर में जो है इस तरह की प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगी बेसल, और इसके अलावा मैरीगोल्ड में भी जो है इसी तरह की प्लेसेंटेशन देखने को मिलती है. तो आज तो हमने दो अपने मेन डिस्क्राइब किए टॉपिक, दैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. प्लेसेंटेशन जब आप इसको रीड आउट करेंगे प्रॉपर वे में और इसके एग्जाम्पल्स टीएस लाइव देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्लेसेंटेशन भी क्लियर हो जाएगी. आपको इनमें से कुछ जो टॉपिक्स हैं अगर वो क्लियर नहीं होते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझे जरूर बताना कर दिया जाएगा. कल वाली क्लास में